प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात ने सेंचुरी पूरी कर ली है। आज सुबह 11 बजे इसके ऐतिहासिक 100वें एपिसोड का प्रसारण होगा। इस मौके को खास बनाने के लिए इंतजाम भी व्यापक किए गए हैं। इस शतकीय एपिसोड को यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में भी सुना जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ देश के 13 जगहों पर प्रोजेक्शन मैपिंग और साउंड एंड लाइट के जरिए इसकी महत्ता दर्शाई जाएगी। इन स्थानों में ऐतिहासिक किले और स्मारक शामिल हैं। इस बार मन की बात को मदरसों के बच्चों को सुनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही मन की बात में पीएम ने जिन प्रेरक कहानियों का जिक्र किया है उससे जुड़ी किताब का विमोचन होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में 12 कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश विदेश से बधाइयां मिल रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर ने लिखा, मन की बात स्वच्छता, स्वास्थ्य और नारी सशक्तिकरण जैसे मुद्दों के लिए उत्प्रेरक रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात ने अपने सफर में आम जनमानस को उम्मीदें दी, उनके अनजाने संघर्ष का सम्मान किया और देश में सामाजिक बदलाव का सूत्रपात किया। इसीलिए आज 100वां एपिसोड बहुत खास बन गया। मन की बात के साथ पीएम मोदी की शतकीय साझेदारी अब अगले दौर में प्रवेश कर रही है। इस कार्यक्रम में पीएम आम लोगों के सामने उन मुद्दों को रखते हैं जिन्हें सामाजिक जागरूकता की दरकार होती है। यहाँ उनके विचार गैर राजनीतिक लेकिन जन केंद्रित होते हैं। मन की बात के पहले एपिसोड का प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को किया गया था। इस साल नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। पूरी दुनिया में 100 करोड़ लोगों ने एक बार जरूर मन की बात सुना है। 23 करोड़ लोग इसे नियमित तौर पर सुनते हैं। इसका प्रसारण 22 भारतीय भाषा और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी होता है। मन की बात के इस ऐतिहासिक एपिसोड को बीजेपी के बड़े नेता अलग अलग स्थानों पर सुनेंगे, लेकिन खास बात यह है कि इस बार मन की बात के बिहाइंड द सीन को भी रिलीज किया गया है, जिससे आम लोगों को ये पता लग सकेगा कि इसे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। इस वीडियो में पीएम मोदी कार्यक्रम के टेक्नीशियन से मिलते नजर आ रहे हैं और ये भी दिख रहा है कि पीएम बगैर किसी लिखित स्क्रिप्ट के इसके जरिए देश को संबोधित करते हैं। तो कर्नाटक में चुनावी पारा चढ़ गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आपत्तिजनक बयान के बाद सियासत गर्म आ गई। कर्नाटक दौरे पर पीएम ने इस पर पलटवार किया और बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी कांग्रेस परेशान के साथ है। कर्नाटक चुनाव त्रिकोणीय नजर आ रहा है, लेकिन ये सूबा सत्ता परिवर्तन के लिए भी जाना जाता है। पीएम ने हुमनाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सांप वाले बयान पर पलटवार किया। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। पीएम पर कांग्रेस के अपशब्दों वाले हमले ने कर्नाटक के चुनावी तापमान को बढ़ा दिया है। इस मुद्दे पर बीजेपी के दो बड़े नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कर्नाटक की जनता बहुत ही जागरूक जनता है, इसका बदला लिया जाना चाहिए, वोट के माध्यम से बदला लिया जाना चाहिए। आपकी मती मारी गई है, मती मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से कर दी थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के चुनावी दौरे पर जनसभा और रोड शोज के जरिए वोटर्स से बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील कर रहे हैं। शनिवार को बेंगलुरु में प्रधानमंत्री के रोड शो में उमड़ा लोगों का हुजूम और उसने पार्टी को एक नई ऊर्जा दी है। और आज भी 3 जगहों पर पीएम की चुनावी सभाएं हैं, लेकिन अब मैसूर की बात करें, यहां पर भी एक खास रोड शो आज आयोजित है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। गाली पॉलिटिक्स के बीच नॉर्थ बेंगलुरु में पीएम मोदी ने मेगा रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों छोर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और सूबे के आम वोटर्स पीएम के लिए पलक पावड़े बिछाए नजर आए। लोग पुष्प वर्षा करने के साथ ही पीएम का गर्मजोशी से अभिवादन करते नजर आए। 90 मिनट के दौरान करीब 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो नॉर्थ बेंगलुरु लोकसभा क्षेत्र के दायरे में आने वाले 3 विधानसभा इलाके से गुजरा। रोड शो में पीएम के साथ कर्नाटक के बेहद चुनिंदा पार्टी नेता थे। मसलन इस रोड शो वाले वाहन पर पीएम के साथ पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा भी नजर आए। चुनावी बेला में पार्टी में ऑल इज वेल का संदेश देते हुए पीएम ने कैडर में उत्साह का संचार कर दिया है। आज भी पीएम का मिशन कर्नाटक बेहद व्यस्तता से भरा है। 3 जनसभा और 1 रोड शो तय है।
प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में कोलार, चन्नापटना और बेलूर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले मैसूरू में 5 किलोमीटर लंबे रोड शो का नेतृत्व भी करेंगे। Z News.